अस्सलाम वालेकुम एंड दिस इज़ नफीस अहमद, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो हम उठे हैं, रेडी हो गए हैं, तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। अब हम जाने लगे हैं इधर एक दोस्त के घर, क्योंकि वो दो दिन से बुला रहा है कि लाजमी आना लाजमी आना है। तो अब हम जाने लगे हैं उसके घर। तो उसके घर जाने में भी तकरीबन आधा घंटा लगेगा। तो हम अभी यहाँ से बाइक्स पर जाने लगे हैं। मौसम भी आज का कुछ अच्छा है, धूप नहीं है इतनी, तो अब हम चलते हैं। तो ये अब हम लोग जाने लगे हैं, इतने सारे जाएंगे नहीं, हम लोग आधे आधे ही जाएंगे। ये जा रहा है एकेडमी गोलीबाज है। ये हमारा गुलफाम भाई है, रात वाला, खोए वाला, मलाई वाला, चाय वाला, नाश्ते वाला, आज का नाश्ता ये भाई के। तो अब हम लोग चलते हैं। हम जी पहुंच आए हैं अपना दोस्त के गांव में। तो आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये उसका घर है और आप ये देखें, ये हमारे खिजर भाई हैं और ये जी आपका नफीस अहमद, ये मैं खुद हूँ। तो अब हम, वो उधर है अपना ज़मीनों पर, तो वो कह रहे हैं जी उधर आ जाओ। ये है जी ये हमारे खिजर भाई, हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं। तो ये हमारे साथ स्कूल भी पढ़ते रहे हैं 5-6 में, और फिर अब काफ़ी टाइम बाद इनसे मुलाकात हुई है। ये भाई अपना खिजर भाई हमारे लिए लेके आए हैं जी लस्सी, स्पेशल लस्सी। ये गर्मी का तोड़ चेक करें आप, इसने कभी ज़िंदगी में लस्सी नहीं पी होगी, कच्ची लस्सी जो ये आज इधर पी रहा है। कोई नहीं, खैर हम भी कभी कभी ये वाली पीते हैं। ये क्या हो रहा है असद साहब, ये शॉपर में क्या है? शॉपर मैंगो, मैंगो गर्मी का तोड़ है। अच्छा जी, गर्मी का तोहफा है। ये भाई इनके भाई हैं, मेरे चाचू के बेटे हैं। तो ये जी अब हम सबका मूड बन गया है यहाँ पे नहाने का, क्योंकि यहाँ पे ट्यूबवेल ही इतने मज़ेदार हैं, ट्यूबवेल यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं, वो आगे एक ट्यूबवेल है, तो हम लोगों ने वहाँ पे जाना है, क्योंकि वहाँ पे ना वो ब्लॉक किया हुआ है, तो वहाँ पे पानी अंदर जमा हुआ है। खिजर भाई चलें, चलो फिर। अभी ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, अब हम लोग भी यहाँ से बस चल रहे हैं, तो बस ये देखें। ये हम लोग आ गए हैं इधर ट्यूबवेल के पास, ये कानपुर की नहर है, इधर हम लोग नहाने लगे हैं। मैं जरा सा कीचड़ लगे देख लिए, मुझे सर धोना पड़ा। ये अब हम लोग यहाँ पे नहाने लगे हैं, पानी बहुत ठंडा, बहुत मज़ेदार है। अब हम भी नहाने लगे हैं, तो फिर आप दही पानी में। चलें आप गई भैंस पानी में, इनका वेट करते हैं बाहर आने का। पानी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ठंडा भी है। हम सब नहा रहे हैं, ऊपर बैठे हैं, मौसम इंजॉय कर रहे हैं। तो ये अब हम, अब मैंगो पार्टी शुरू, मैंगो पार्टी शुरू। ये चेक करें, बाकी खबर मैंने अपने पास रख लिया, मुझे पता था इनका कि भाई इन्होंने मुझे देना कोई नहीं, तो मैंने अपने पास ही रख लिए। तो वो देखे, हमने उन बच्चों को यहाँ से निकालिया, वो उन्होंने अपनी अल्टरनेटिव जगह ढूंढ ली है, वो देखे। तो वो खेत में चले गए,
तो ये देखिए खाते चेक करिए, जैसे कभी जिंदगी में नहीं खाया, जैसे कभी जिंदगी में नहीं खाया जी। जामनू के दरख्त के पास आए हम, बहुत मुश्किल है। आप ये देख लें, आप ये देख लें, ये यहाँ से ये ऊपर ये सारे जामन के दरख्त हैं। ये देखें अब हम भी यहाँ पे जाने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं कितने मजेदार जामन, दिखाओ तुम्हें जरा यार, चेक करें। ये भाई हमें उतार के देगा, उतारे दे। हाँ वो बंदर, ये भाई हमें उतार के देगा जाम। ये पाक तो चला है, जाई जा जाई जा। असद फड़ो यार, तो फड़। ये देखे तो ये देखें जी, ये पेंडू प्रोफेशनल तरीका, ये देखें, ये चेक करें। चलो भाई ये चेक करें आप, स्वाद आ रहा ताजा जामनू। ये हमारी मेहनत, ये हमारी मेहनत चेक करें, ये हमारी मेहनत है। ये देखें जरा इसकी शक्ल देखें आप, इसकी ये इसकी भाई की मेहनत है। ये टिश्यू चेक करें भाई का, ये हमारे गांव का टिश्यू है। ये भाई ये सारी इसकी मेहनत चेक करें, ये आपने मेहनत कराई है पीछे से। ये हम सब नहा रहे हैं जी, आप चेक करें हल्की हल्की बारिश में। ये असद भाई भी हैं और ये गए हम ऊपर से नीचे। और ये आपसे मिलवाते हैं खिजर भाई को। खिजर भाई इजाजत है, मैं तो कहता हूँ रहे आप। नहीं बस अब हम जाते हैं, तो इंशाल्लाह टाइम दिया फिर कभी नेक्स्ट टाइम जरूर इंशाल्लाह टाइम निकालिएगा। ओ हाँ, हमारे उन्होंने हमें एक तोहफा दिया, गर्मियों का तोहफा जो हम अपने साथ लेके जाएंगे, ये हम अपने साथ इस्लामाबाद लेके जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपके साथ फिर इधर कभी इंशाल्लाह आएंगे। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा आपके साथ, बहुत इंजॉय किया हमने। ये खिजर भाई की तरफ से हमें गिफ्ट मिला है जी, तोहफा। इसके अंदर जामनू है। असद भाई हम किधर हैं? हम अपने बहुत ही प्यारे भाई, हमारे डोगर भाई हैं, शाहिद डोगर साहब हमारे से बड़े हैं, लेकिन उन्होंने भी हमारे हमें भाइयों से काम नहीं माना जिनके हम कर रहे हैं। पता हमारा भाईचारे को इसलिए कामयाब बनाए। हमें तकरीबन पाँच साल हो गया डोगर भाई के साथ, तो हम इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे बड़े हुए हैं। खैर तो अभी हम उनके घर आए उनकी वालदा को भी सलाम करना। तो अभी डोगर भाई आते हैं, हम आपको मिलवाते हैं। बल्कि डॉक्टर साहब आ गए हैं, क्या हाल है डॉक्टर साहब? ये हमारे बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छे भाई हैं। अल्लाह का शुक्र। ये हमारे डॉगर भाई हैं, इनके साथ हमारा तकरीबन बचपन गुजरा है। हम क्रिकेट खेलते थे, सब कुछ हमारा टाइम इकट्ठे गुजरा है। ये शादी खा के आए हैं, ये एक राज है जो किसी को बताया नहीं जाता। असद ने फाश कर दिया। ये नासिर भाई हमसे बहुत बड़े दादा साहब, बैठते हैं आप भी बैठे। आपका शुक्रिया, आप इस्लामाबाद से हमें मिलने आए। नहीं, आपने हमें जो है इस काबिल समझा, आपकी मोहब्बत हमारे दिल में है भाई। थैंक यू सो मच ब्रदर। तो ये जी आप बैठे। अब हम आ गए हैं जी गुलफाम भाई के डेरे पे, तो सारे दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, तो आपको मैं मिलवाता हूँ। तो आप ये देखें, आप ये भाई, ये आपका ट्राउजर, ये क्या पहन के आए हो आप? ये भाई अपना कंफर्ट होना चाहिए, कंफर्ट अगर इन सब ने आपको पकड़ लिया फिर समझ रहे हो।
अल्लाह वाला स्कैंडल लीक हो जाएगा मोटरवे का भी बस ये देखें आप ये सारे इधर डेरा ये देखें बस यहाँ पे गपशप पार्टी चल रही है तो बातें हो रही हैं क्योंकि अब हमने वापस भी जाना है पता नहीं कब जाना है। ये हम जा रहे हैं जी बाहर तो दोस्तों ने सबने पार्टी रखी है एक कि अलविदाई पार्टी करते हैं तो उन्होंने सबने एक पार्टी रखी है जिसका नाम है पिज़्ज़ा पार्टी। तो अब हम बाहर जा रहे हैं ज़रा पैसों का बंदोबस्त करने बैंक तक तो फिर कैश ला के तो फिर हमने देना 150 ही है तो अब उन्होंने भी 700 दी है। ये भाई ने आज जिंदगी में पहली दफा इधर जब से मैं यहाँ पे रहा हूँ 8 साल लेकिन इन्होंने जिंदगी में पहली दफा 800 बड़े ही खुश दिल से दिया। मुझे नहीं पता कैसे दिए दिए 800 तो मैं बहुत ही हैरान हूँ और सरप्राइज हूँ। तो इन भाई को हम पूरा एक स्लाइस देंगे तो इनको हम लोग तो अब हम लोग मिलते हैं ये भाई को तो अब हम चलते हैं सफर कर। ये हमारे पिज़्ज़े आ गए ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो आ गए आइसक्रीम यस आइसक्रीम आप ये चेक करें जरा ये हैं जी ये तीन पिज्जे ऐसे फारग हुए हैं जैसे सवाब का काम होता है फ्री में। मैंने ये सबको इसे दिए 8 बंदों में से सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए। इस भाई ने इतना नहीं खाया लेकिन ये जो डैश इंसान है ना ये इस बंदे ने 4 खाए हैं पीस। तो मेरा पांचवा हिस्सा दे दो। पांचवा हिस्सा फिर मैं आपको देता हूँ जरा बाद में ठीक है ओके। तो ये देखें जी भाई ये भाई का न्यू फोन है 14 प्रो मैक्स जो ये भाई रात रात को चलाते रहते हैं बस। अब हम रेस्ट करने लगे हैं तो सुबह इंशाल्लाह उठना है तो कल का इरादा है घर वापसी का। हम रेस्ट करते हैं तो डेली व्लॉग्स को एंजॉय करें और चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।